जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो आप सभी को पता है, टूर ऑफ ड्यूटी का आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनल डिसीजन जो है वो दे दिया है। तो आज तक आपने जो भी यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी वो सब बकवास थी, क्योंकि आज तक सब तुक्के ही मार रहे थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन आज फाइनली इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी में क्या क्या होगा, आपकी सर्विस कितनी होगी, आपका पैकेज कितना होगा, आपको सेवानिधि कितनी मिलेगी, आप री इनरोल्ड रेगुलर आर्मी में कैसे हो पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डिफेंस विंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेस इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और आप देख सकते हैं ट्यूसडे 14 जून 2022 के लिए ही जो है वो ये प्रेस इंफॉर्मेशन जो है वो आई है। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, टूर ऑफ ड्यूटी से संबंधित पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो स्कीम है वो अग्निपथ के नाम से जानी जाएगी, और इस स्कीम में भर्ती होने वाले जो बंदे होंगे उनके लिए अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, नंबर वन। नंबर टू है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों में ही दोस्तों अग्निवीर जो है वो भर्ती होंगे अग्निपथ स्कीम के जरिए, और तीनों में ही इनकी सर्विस 4 ईयर ही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडियन आर्मी में ज़्यादा होगी, एयरफोर्स में कम होगी या फिर नेवी में ज़्यादा होगी। 4 साल की ही सर्विस होगी, चाहे आप आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो या फिर नेवी में हो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अग्निवीर टू बी एनरोल अंडर रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आपको बता दें 46 लाख अग्निवीर टू बी रिक्रूटेड दिस ईयर, मतलब इस साल 2022 में 46,000 जो है वो अग्निवीरों की भर्ती होगी, मतलब 46,000 वैकेंसी इंडियन आर्मी में आने वाली हैं। रिक्रूटमेंट रैली विल कमेंस इन 90 डेज। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट रैली जो है आपकी 90 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल लास्ट डेट है ये 90 डेज, इससे पहले भी स्टार्ट होएंगी 100%। ठीक है, चलिए इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स है जो कि हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें आपकी सैलरी और आपके पैकेज के बारे में, उसके बाद में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर साफ साफ लिखा हुआ सैलरी होगी, और आपके कैश इन हैंड, आपके आपका जो फंड यानी कि जो 30% आपका पैसा रोका जाएगा, आपको भविष्य निधि यानी कि जो सेवा निधि लास्ट में दी जाएगी, और गवर्नमेंट इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो पूरी डिटेल यहां पर देने वाली है। तो फर्स्ट ईयर में दोस्तों जो आपकी सैलरी होगी वो होगी आपकी 30,000। ठीक है, कस्टमाइज्ड पैकेज मंथली है ये, मतलब पहले साल में आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, इन हैंड आएंगे आपके 70%, यानी कि 21,000 आपको दिए जाएंगे और 9,000 रुपीज आपके जो है वो बैलेंस रखे जाएंगे। सेम दोस्तों, जितना रुपए आपका बैलेंस रखा जाएगा उतना ही रुपए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देगी, मतलब 9,000 आपने ये हर महीने बचाया और 9,000 हर महीने आपको गवर्नमेंट अलग से देगी। ठीक है, चलिए सेकेंड ईयर में दोस्तों आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो बढ़ के हो जाएगी 33,000, 3,000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी इसमें, और आपके हाथ में जो कैश आएगा वो आएगा आपके बैंक में, मतलब जो पैसा आएगा आपकी सैलरी आएगी वो 23,100 रुपये आएगी, और 9,900 जो है वो आपका भविष्य निधि के लिए रख लिए ना, आर्मी की तरफ से आपके लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तीसरी ईयर में दोस्तों जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो 36,500 हो जाएगी, और 25,500 से आपके हैंड में आएगा, 10,950 आपका सेवा निधि के लिए जमा कर लिया जाएगा, सेम 10,950 रुपये आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। और लास्ट ईयर 4 ईयर में आपकी जो सैलरी होगी वो 40,000 रुपये होगी, इन हैंड आपके 28,000 आएंगे, कंट्रीब्यूशन होगा आपका 12,000, गवर्नमेंट का होगा 12,000। तो इस तरह से दोस्तों लगा के जब 4 साल बाद आप रिटायर होंगे तो 5,02,000 रुपये आपकी सैलरी के अलावा आपके जो है वो सेवा निधि में आपके जमा हो चुके होंगे, 5,02,000 रुपए ही आपके लिए जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो मतलब 5 और 5 10 लाख रुपए हो गए, और यहाँ पर बताया गया है एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स, तो 11,71,000 सेवा निधि पैकेज आपको दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों अमाउंट पर आपके लिए पहले दिन से ही इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। सही है, तो जिस दिन आप रिटायर होंगे 4 साल के बाद में 11,71,000 रुपये आपको दिया जाएगा एक्सक्लूडिंग सैलरी। ये जो सैलरी है वो तो आपने 4 साल तक ली है, लेकिन 11,71,000 रुपये आपको अलग से दिया जाएगा, जो कि
हम इसको क्या बोलेंगे, सेवानिधि। चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा डिटेल दी गई है वो तो मैं आपके लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन मेन मेन चीज़ें जो आपको मैं इस स्कीम के बारे में जरूर बताऊंगा। चलिए आपके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, उसके बाद में हम चलते हैं एडवांटेज में, ठीक है। तो एडवांटेज में दोस्तों क्या है, ए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द आर्म फोर्सेस। यहां पर भी आपके वैसे कुछ काम करना ही है तो इसको मैं आपको नहीं बताता हूं। उसके बाद में आपकी जो एज लिमिट दोस्तों है, काफी सारे आपके लिए डाउट चल रहे थे कि हमारी एज लिमिट कितनी होगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आपके लिए बताया गया है कि आपकी जो एज लिमिट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। देखिए हाँ, ये है 11,71,000 रुपये आपको दिया जाएगा 4 साल के बाद में एज सेवानिधि, और उसके बाद में दोस्तों आपके लिए एक ये देखिए यहाँ पर, यहां से पढ़ते हैं दोस्तों, दीज एप्लीकेंट्स विल बी कंसिडर्ड इन ए सेंट्रलाइज्ड मैनर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग देयर 4 ईयर एंगेजमेंट पीरियड एंड अप टू 25 ऑफ ईच स्पेसिफिक बैच ऑफ द अग्निवीर विल वी री इनरोल्ड, ठीक है, विल बी इनरोल्ड इन रेगुलर कैडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, डिटेल्स गाइडलाइन विल बी इशूड सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आपके लिए 25% के लिए जो है वो फिर से इनरोल्ड कर लिया जाएगा रेगुलर आर्मी में, और रेगुलर बेसिस पे जैसे कि हम लोग इस समय भर्ती हैं उसी हिसाब से आपको भी ले लिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं, इनरोलमेंट विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस एंड द एलिजिबिलिटी एलिजिबल एज विल बी इन रेंज फ्रॉम 17 साल 5 महीने से 21 साल तक, ठीक है। तो आपकी जो एज लिमिट है उसका डाउट भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 17 साल 5 महीने से आपकी 17.5 से 21 साल तक ही जीडी के लिए एज ली जाएगी। ये केवल जीडी के लिए, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर एंट्री इन टू जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी सोल्जर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज क्लास 10th। तो जैसे दोस्तों आपका आज तक भर्ती होती हुई आई है उसी हिसाब से आपकी भर्ती की जाएगी, सेम आपकी एजुकेशन ली जाएगी, सेम आपकी रनिंग, सेम आपकी डीम, सेम आपका चिनअप और जो भी फिजिकल होता है सेम लिया जाएगा, सेम आपकी एज लिमिट ली जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो अपने दिमाग से जो भी आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें सभी ने भर दी हैं उनको निकाल दें, ये आपका आज बिल्कुल फाइनल डिसीजन आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसी जो है इसी स्कीम के तहत अब आपकी भर्ती होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और टूर ऑफ ड्यूटी की वीडियो के बारे में लेकर, जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, मेरे पास में वो प्रेस इंफॉर्मेशन आ चुकी है जिसमें मैं आपके लिए और ज़्यादा गहराई से टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।